आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नए ब्लॉग में। और हम आ चुके हैं कहाँ पे, कैथी, शंकर भगवान का मंदिर है कैथी में। और आइए चलते हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, हम आपको दर्शन कराएंगे इस वीडियो में पूरा बढ़िया से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे और पार्किंग में हमने गाड़ी अपनी पार्क कर दी है। ये हमारी कार है और हमने पार्किंग में पार्क कर दिया है। अब यहाँ पे हम चलते हैं, हाथ पैर धुलेंगे। ये मेरी दीदी हैं, हाथ पैर धुलेंगे, अब हाथ पैर धुलेंगे हम लोग और उसके बाद जाएंगे दर्शन करने। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको बढ़िया दर्शन कराते हैं। आइए चलते हैं फिर मंदिर के गेट पे। मार्कंडेय महादेव मंदिर के प्रवेश द्वार पे हम आ चुके हैं और यह मंदिर उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों में से एक है। विभिन्न प्रकार की परेशानियों से ग्रसित लोग अपने दुखों को दूर करने के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। तो यहाँ पे बहुत सारी दुकानें आप लोग देख सकते हैं और यहाँ से आप प्रसाद चढ़ाने के लिए या कुछ भी मतलब सामान खरीद सकते हैं। चूड़ी, औरतों के लिए भी बहुत सारे सामान मिलते हैं और जल चढ़ाने के लिए भी आप यहाँ से जल खरीद सकते हैं। जिनको दूध से अभिषेक करना है प्रभु का, वो दूध भी खरीद सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, जो कि हम आपको एक छोटी सी झलक में दिखा देना चाहते हैं। यह पुष्प भी आप अर्पित कर सकते हैं जल के साथ, यह सजावट का सामान, यह चूड़ियाँ और ऐसे ही सारे सामान जो महिलाओं, पुरुषों को या छोटे बच्चों को खेलने के लिए होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं, जिनकी एक झलक मैं छोटे से वीडियो से दिखा देना चाहता हूँ। तो यह कैथी नामक गांव जो है, ये काशी राज यानी कि काशी के राजा दीवोदास की बसाई दूसरी काशी है, जो कैथी के नाम से वर्तमान समय में प्रचलित है। ऋषि मार्कंडेय शैव वैष्णव एकता के प्रतीक हैं और इसी के रूप में यह प्रसिद्ध है। मार्कंडेय महादेव मंदिर के शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ाया जाता है, उस पर चंदन से श्री राम का नाम लिखा जाता है। अब मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दूसरे दिन श्री राम नाम लिखा बेलपत्र अर्पित करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होती है। भारतीय जनमानस को आज भी तीर्थ स्थलों पर सिद्धि और शांति प्राप्त होती है। समय समय पर पृथ्वी पर ऐसे तपस्वी पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने तप के बल पर भाग्य की लेखनी को पलट दिया है। जी हाँ, और गंगा गोमती के संगम पर स्थित मार्कंडेय महादेव तीर्थ धाम इसकी अनुपम मिसाल है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर गंगा गोमती के संगम पर चौबेपुर के कैथी ग्राम के उत्तरी सीमा पर बना श्री मार्कंडेय धाम अपार जन आस्था का प्रमुख केंद्र है। तमाम तरह की परेशानियों से ग्रसित लोग अपने दुखों को दूर करने के लिए यहाँ आते हैं और महादेव के चरणों में सिर नवाते हैं और अपनी समस्या का निदान मांगते हैं। मार्कंडेय जी के बारे में एक प्रसिद्ध कथा है जो कि हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी मंदिर की साफ़ सफाई चल रही है और कुछ देर बाद आरती होगी। तो जब तक साफ़ सफाई हो रही है, तब तक हम आप लोग को संक्षिप्त कथा का विवरण करके यहाँ के इतिहास के बारे में बता देते हैं कि आखिर यह मंदिर इतना प्रसिद्ध कैसे हुआ। तो मृकंड ऋषि तथा उनकी पत्नी मरंधति दोनों पुत्रहीन थे। वे नौमिषारण्य सीतापुर में तपस्यारत थे। वहाँ बहुत से ऋषि भी तपस्यारत थे। वो लोग मृकंड ऋषि को देखकर अक्सर ताना स्वरूप कहते थे कि बिना पुत्रो गति नास्ति, अर्थात बिना पुत्र के गति नहीं होती। मृकंड ऋषि को बहुत ग्लानि होती थी। वे पुत्र प्राप्ति की कामना के साथ सीतापुर छोड़कर विंध्याचल चले आए और विंध्याचल में इन्होंने घोर तपस्या प्रारंभ की। इनकी साधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का रास्ता बताया कि हमारी लेखनी को मिटाने वाले सिर्फ एकमात्र भगवान शंकर हैं। आप शंकर जी की उपासना कर उन्हें प्रसन्न करके पुत्र प्राप्त कर सकते हैं। इस बात से प्रसन्न होकर मृकंड ऋषि गंगा गोमती के संगम तपोवन कैथी जाकर भगवान शंकर की घोर उपासना में लीन हो गए
और कुछ वर्षों बाद प्रसन्न होकर शंकर जी ने उन्हें दर्शन दिया और मांगने के लिए कहा कि मांगो ऋषि, हम आपसे प्रसन्न हैं, आप क्या मांगोगे। तब मृकंड ऋषि ने याचना की कि हे प्रभु, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। इस पर शिव ने कहा, तुम्हें अधिक आयु वाले अनेक गुणहीन पुत्र चाहिए या फिर मात्र 16 वर्ष की आयु वाला एक गुणवान पुत्र। तब मुनि ने कहा कि हे प्रभु, मुझे गुणवान पुत्र ही चाहिए, चाहे वह कम आयु का ही क्यों ना हो, उसके अंदर सारे गुण होने चाहिए। समय आने पर मुनि के यहाँ मार्कंडे नामक पुत्र का जन्म हुआ। बालक को मृकंड ऋषि ने शिक्षा दीक्षा के लिए आश्रम भेजा। समय बीतने के साथ बालक की अल्प आयु की चिंता मृकंड ऋषि को सताने लगी। दोनों दंपति दुखी रहने लगे। मार्कंडे जी को माता पिता का दुख न देखा गया। वे कारण जानने के लिए हट करने लगे। बाल हट के आगे विवश होकर मृकंड ऋषि ने सारा वृतांत कह बताया। अब मार्कंडे जी समझ गए कि ब्रह्मा जी की लेखनी को मिटाकर जब भगवान शंकर के आशीर्वाद से मैं पैदा हुआ हूँ, तो इस संकट में भी शंकर जी की ही शरण लेनी चाहिए, और कोई नहीं है जो इस लेखनी को फिर से मिटा सकता है। अब मार्कंडे जी भी गंगा गोमती के संगम पर बैठकर घनघोर तपस्या में लीन हो गए। शिव पार्थिव वाचन पूजा करते हुए उम्र के 12 साल बीतने को आए। एक दिन यमराज ने बालक मार्कंडे को लेने के लिए अपने दूत को भेजा। भगवान शंकर की तपस्या में लीन बालक को देख यमराज के दूत का साहस टूट गया और उसने जाकर यमराज को सारा हाल बताया। तब जाकर यमराज स्वयं बालक को लेने भैंसे पर सवार होकर आए। जब यमराज बालक मार्कंडे को लेने आए, तब वह शंकर जी की तपस्या में लीन थे तथा शंकर व पार्वती स्वयं उनकी रक्षा में वहाँ मौजूद थे। और बालक मार्कंडे का ध्यान तोड़ने के लिए यमराज दूर से भय दिखा प्रहार करने लगे। तब मार्कंडे जी घबरा गए और उनके हाथ से शिवलिंग जमीन पर गिरा और शिव पार्थिव गिरते ही मृत्यु लोक से अनादि तक शिवलिंग का स्वरूप हो गया। और यमराज का त्रास देखकर भगवान शंकर भक्त की रक्षा करने हेतु प्रकट हो गए और मार्कंडे को यमराज से बचाया और यमराज को सचेत करते हुए कहा कि चाहे संसार इधर से उधर हो जाए, सूर्य और चंद्रमा बदल जाए, किंतु मेरे परम भक्त मार्कंडे का तुम कुछ अनिष्ट नहीं कर सकते। इस बालक की आयु काल की गणना मेरे दिनों से होगी और मेरे नाम से पहले इसका नाम होगा और मेरे पूजा करने से पहले इसकी पूजा होगी और तभी से यहाँ के मंदिर का नाम मार्कंडे महादेव जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तब से गंगा गोमती के तट पर बसा कैथी गांव मार्कंडे जी के नाम से विख्यात है। यहाँ का तपोवन काफ़ी विख्यात है। यह गर्ग पराशर श्रृंगी ऋषि तथा उद्याल आदि ऋषियों की तपोस्थली रहा है। इसी स्थान पर राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था। जी हाँ, यह वही स्थान है जहाँ पर राजा दशरथ जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि ने भी पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था, जिसके परिणाम स्वरूप राजा दशरथ जी को पुत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें हमारे प्रभु श्री राम जी थे और लक्ष्मण जी थे, भरत जी थे और शत्रुघ्न जी थे। यही वह तपोस्थली है जहाँ राजा रघु जी द्वारा 11 बार हरिवंश पुराण का पारायण करने पर उन्हें उत्तराधिकार प्राप्त हुआ था। तो पुत्र कामना के लिए यह स्थल काफ़ी दुर्लभ है। हरिवंश पुराण का पारायण तथा संतान गोपाल मंत्र का जाप कार्य सिद्धि के लिए विशेष मायने रखता है। पुत्र इच्छा पूर्ति के लिए इससे बढ़कर सिद्धपीठ स्थान कोई दूसरा नहीं है। मार्कंडे महादेव के इस तपोस्थली पर हर समय पति पत्नी का जोड़ा पीला वस्त्र धारण कर गांठ जोड़े पुत्र प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण का पाठ करते हैं। इस जगह आकर पूजा अर्चना करने के बाद लोगों के
मनोकामना को सिद्धि मिलती है। तो आइए अब आरती शुरू हो गई है। तो कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक बार ज़रूर, चैनल पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही धार्मिक स्थल और अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको लाके दिखाते रहेंगे। और भगवान भोलेनाथ के लिए एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा अगर कथा आपको पसंद आई होगी। तो आइए आरती। फाइनली अभी हम लोग मंदिर का दर्शन करके आ चुके हैं और अब हम लोग गंगा जी का दर्शन करने जा रहे हैं। तो गंगा के किनारे लेके चलते हैं आप लोग को भी और महसूस कराने की कोशिश करेंगे। आप लोग बने रहिए वीडियो में, बस कुछ ही पल दूर हैं हम लोग गंगा जी से। तो आइए चलते हैं। कुछ इस तरह का नज़ारा है गंगा घाट से थोड़ा सा पहले का, ये देख सकते हैं। कुछ ऐसी झुग्गी झोपड़ी भी पड़ी हुई है यहाँ पे और छोटी छोटी दुकान भी लोग यहाँ पे लगाए हुए हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं, बहुत सारे लोग इस गुंबद में बैठ के फोटोज़ भी खिंचवा रहे हैं। और ये गुंबद बहुत ही सुंदर लग रहा है पास से देखने पे, दोनों तरफ बना हुआ है, बैठने के लिए काफ़ी अच्छा जगह है क्योंकि गर्मी के दिन में जब धूप लगेगी तो और कहीं शरण नहीं मिलेगी। और आइए आपको नीचे लेके चलते हैं। ये कूड़ा कचरा भी देख सकते हैं आप लोग। अब मोदी जी खुद आके तो साफ करेंगे नहीं, है ना दोस्तों, हम लोग को ही साफ़ सफाई रखनी पड़ेगी। गंदगी भी हम लोग फैलाते हैं तो साफ़ सफाई भी हमें ही करनी होगी, तब जाके तो गंगा माँ या उनके किनारे की जगहें साफ़ होंगी। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी मुहिमें चलाई लेकिन जब आम जनमानस ही नहीं सुधरेगा, आम जनमानस जब अपनी कर्म को नहीं पहचानेगा तो फिर क्या होगा। अब मोदी जी तो झाड़ू लेके घूम घूम के साफ करेंगे नहीं, तो हम लोग को भी कुछ करना होगा। और यहाँ पे बोटिंग की भी सुविधा अवेलेबल है। ऊपर एक लड़का मिला था, पूछ रहा था भैया चलेंगे नाव पे घूमने, 40 रुपये सवारी लेगा और इस पार से उस पार घुमा के लाएगा। लेकिन उसकी एक शर्त है कि 10 लोग इकट्ठा तैयार होंगे तब, 2 लोग को नहीं लेके जाएगा, 2 लोग को लेके जाएगा तो 400 रुपया लेगा। और ये देखिए यहाँ पे लोग नहा रहे हैं, अपने पाप धुल रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि गंगा जी में स्नान कर लेने से और गंगा जी में डुबकी लगा लेने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। तो आप भी आइए गंगा जी में डुबकी लगाइए। और यहाँ गंगा जी का और गोमती जी का संगम है। जी हाँ, यहाँ पे गंगा नदी और गोमती नदी दोनों आके मिलती हैं और इस जगह को काफ़ी पवित्र माना गया है। जैसे प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती जी का संगम है, वैसे ही यहाँ पे गंगा और गोमती जी का संगम है। और यह पक्षी बहुत ही दुर्लभ पक्षी होते हैं, यह साइबेरियन बर्ड के नाम से जाने जाते हैं, साइबेरियन पक्षी। और यह जल में भी तैर लेते हैं, उड़ भी लेते हैं हवा में। तो आज के वीडियो में इतना ही, हमने आपको सारा दर्शन कराने का प्रयास किया। अगर आप लोग को हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक करने से हम मोटिवेट होंगे
और आपको कुछ उसमें लगाना नहीं है, बस एक अपने प्यारे प्यारे हाथों से लाइक वाली बटन को टच कर देना है। और हमारे चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उससे भी हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे वो सीधे आपके पास पहुंचेंगे सबसे पहले। तो हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए और गंगा माता में स्नान करिए, पाप धुलिए। और मैं यही गंगा माता से विनती करता हूँ कि सबको, हमारे सारे व्यूअर्स को सुखी रखें और उनके सारे कष्ट पाप दूर कर दें और सदैव उनको तरक्की के पथ पर आगे बढ़ाएं। तो इसी सब मंगल कामनाओं के साथ टाटा बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।